हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक से किस तरह से एमएस वर्ड में नए नए पेज ले जाते हैं। तो इसके लिए आपको इंसर्ट मोड में जाकर जो करंट पेज रहा है उसे पेज नंबर देना होगा। पेज नंबर में बटन में क्लिक कीजिए, टॉप ऑफ पेज ऑप्शन दिख रहा है, इनमें से प्लेन नंबर 2 में क्लिक करना है जो मिडिल सेंटर में है। इस तरह से हेडर में एक पेज नंबर दिख जाएगा। आपको पेज की मिडिल जगह पर किसी भी स्पेस जगह पर डबल क्लिक करना है, तब ये पेज नंबर सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर देना है, या फिर यहाँ पर जो इंसर्ट दिख रहा है यहाँ क्लिक करके पेज ब्रेक करते रहना है। जितने बार आप पेज ब्रेक करते रहेंगे इसी तरह से आपको नया नया पेज क्रिएट होते रहेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर 12 पेज बना दिया है। हमें पहला पेज में जाना है तो इसके लिए हमें गो टू का सहारा लेना पड़ेगा। कीबोर्ड से कंट्रोल और जी प्रेस करने से गो टू बॉक्स आ जाएगा। यह गो टू बटन में क्लिक करके आपको वहाँ लिखना है। गो टू बटन में क्लिक करके जब भी क्लोज करेंगे तब एक नंबर पेज में आ जाएंगे। इस तरह से पेज में आगमन कर सकते हैं, एक नंबर से 10 नंबर तक या फिर 100 नंबर, जितने भी नंबर है आप डायरेक्टली जा सकते हैं। या हम किसी टेस्ट को ऑर्डर करेंगे, हमारे पास कोई टेस्ट नहीं है, तब इसके लिए हम रेंट से भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ जो हेल्प बटन दिख रहा है आप हेल्प बटन में क्लिक करने से यहाँ अंदर आपको बहुत कुछ टेस्ट मिल जाएगा। जैसे कि हमको सेव करना मालूम नहीं है, सेव प्रोसेस यहाँ लिख रहे हैं। जब भी हम सर्च करेंगे सेव प्रोसेस का सारे सिस्टम आ जाएगा। आप यहां से पढ़ सकते हैं किस तरह सेव होते हैं, सभी सिस्टम यहां दिया हुआ है। ये खोलने के लिए आपको स्क्रीन के राइट साइड में जो जिज्ञासा चिन्ह दिख रहा है यहां क्लिक करना है, या फिर कीबोर्ड से F1 टिपना है तभी ये सर्च बॉक्स आ जाएगा। आपको उस टॉपिक को लिखना है जिसके बारे में आपको जानना है। जैसे कि हमको एमएस वर्ड के कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में कुछ मालूम नहीं है, हमें जानना है, तो हम यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट लिख सकते हैं। जब भी हम सर्च करेंगे तो जितने भी कीबोर्ड शॉर्टकट है उसका सारे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। आप क्लिक करते रहिए और देखते रहिए, यहाँ सब कुछ आ जाएगा। डिस्प्ले के लिए क्या क्या शॉर्टकट है, डायलॉग बॉक्स का क्या शॉर्टकट है, ये सारे आपको डिटेल से दिख जाएगा। आप देख सकते हैं आउटलाइन के लिए क्या क्या है, बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा आपको। जैसे कंट्रोल में फाइंड होते हैं यहाँ दिया हुआ है, कंट्रोल एच में रिप्लेस होता है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फाइल बनाने के लिए कंट्रोल एन, फाइल खोलने के लिए कंट्रोल ओ, क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू, सेव के लिए कंट्रोल एस, ये सारी शॉर्टकट की जानकारी आपको यहाँ दे देगा सिस्टम से। प्रिंट के बारे में भी दिया हुआ है, कंट्रोल पी में प्रिंट होता है, डिलीट के बारे में दिया हुआ है, कंट्रोल एस में काट होता है, कंट्रोल जेड में अंडू होता है, काट ऑफ स्पाइक, कंट्रोल F3, ये सारी शॉर्टकट आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप कुछ प्रिंट करना है तो आप यहाँ से इसे ले सकते हैं, इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे कॉपी करके, राइट क्लिक कॉपी करके आप मेन पेज में आकर पेस्ट कर सकते हैं। यही टॉपिक्स आप बड़ा करके प्रिंट भी कर सकते हैं। होम में जो साइज दिया हुआ है यहाँ इंक्रेस कर दीजिए। यही टॉपिक आपको प्रिंट करने के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से आप कंप्यूटर के अंदर जो हेल्प बटन है वो हेल्प से नया कुछ टॉपिक्स ले सकते हैं गाइडेंस के लिए। आपको अगर इस पेज को लैंडस्केप करना है, बड़ा देखना है पेज को, तो आपको पेज लेआउट में जाना होगा। यहाँ पर ओरिएंटेशन ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ क्लिक करके आपको लैंडस्केप में क्लिक करना है, तब पेज का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा लैंडस्केप के कारण। और अगर पेज साइज को अगर प्रिंट के लिए बनाना है तो आप यहाँ पर A4 ले सकते हैं, तब यह पेज A4 साइज प्रिंट के हिसाब से बन जाएगा। अगर आपका पेज A3 का चाहिए तो आप A3 कर सकते हैं। अगर आपको B4 बनाना है तो B4 का ले सकते हैं, जो भी आपको ज़रूरत पड़े। साधारण तरीके से A4 का ही ज़रूरत पड़ता है तो A4 दे दीजिए। इस तरह से आप पेज का मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं, साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ मार्जिन ऑप्शन दिया हुआ है, पेज मार्जिन आप जिस तरह सेट करेंगे उसी तरह से हो जाएगा। अगर ये रूलर जो है
इसे आपको हटा देना है तो आप व्यू में जाकर जो रूलर ऑप्शन दिख रहा है वहाँ से रूलर हटा सकते हैं और वहाँ से उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। पेज के अंदर अगर आपको ग्रिड लाइंस स्टाइल देखना है तो आप व्यू रिबन के अंदर जो ग्रिड लाइन दिख रहा है वहाँ क्लिक कर दीजिए, हर एक लाइन के ऊपर एक ग्रिड लाइन दिख जाएगा, वहीं से इसे हटा भी सकते हैं। अगर इस पेज को आप वेब लेआउट व्यू में देखना चाहते हैं तो वेब लेआउट में क्लिक कर दीजिए, वेब लेआउट आ जाएगा। अगर फिर से इसे प्रिंट लेआउट में लाना है तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्टर और वी एक साथ प्रेस करना पड़ेगा, तभी ये प्रिंट लेआउट स्क्रीन में आ जाएगा। तो इस तरह से पेज फॉर्मेटिंग्स हेल्प के काम होते हैं। अगर पेज का आपको टेक्स्ट का अगर कलर करना है, डिज़ाइन करना है तो उसे सिलेक्ट कर दीजिए, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए, यह आपको हर एक प्रकार की स्टाइल दिख जाएगा जो आप आउटपुट में देख सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसे क्लिक कर दीजिए, उसे कलर दे दीजिए, बोल्ड कर दीजिए और उसका साइज थोड़ा बड़ा करके ओके कर दीजिए, तब यह टेक्स्ट आपको हिसाब से हो जाएगा। इस तरह से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किए जाते हैं। दोस्तों, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और हेल्प रिबन के काम, हेल्प ऑप्शन का आपको कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। आपको कौन कौन टॉपिक के बारे में जानना है और कमेंट कर दीजिए, और इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए नई वीडियो लेकर हम फिर से हाजिर होंगी। नमस्कार।